कुशीनगर 333 विधानसभा क्षेत्र से मुंकेश्वर उर्फ पप्पू मदेशिया के बसपा प्रत्याशी घोषित होने पर कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर, फूलमालाओं से किया गया उनका स्वागत। विधानसभा चुनाव की जंग में सभी पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवार को मैदान में उतार कर ताल ठोकना शुरू कर दिया है। इसी क्रम में कुशीनगर 333 विधानसभा क्षेत्र से बसपा ने मुंकेश्वर उर्फ पप्पू मदेशिया को अपना प्रत्याशी बनाकर अपना दांव खेला। टिकट के लिए मुंकेश्वर मदेशिया के नाम की घोषणा होते ही समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई। कार्यकर्ताओं ने उनका फूल मालाओं के साथ जोरदार स्वागत किया। इस दौरान विधायक प्रत्याशी ने कहा कि जनता ने अगर मौका दिया तो बंद हो चुके शुगर मिल को चालू करवाना और बकाया गन्ना मूल्य का भुगतान पहली प्राथमिकता हो। साथ ही प्रदेश सरकार पर हमलावर होते हुए उन्होंने कहा कि महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर सरकार फेल हो चुकी है। जनता का जो मूल समस्या है, इस पूरे प्रदेश में बेरोजगारी, जो उपेक्षित नौजवान है, पढ़ लिख करके बेकार है, जिस पर इस वर्तमान सरकार ने बिल्कुल फेल रही है। और दूसरी चीज कि हमारे जनपद में हमारे जो मूल समस्या रही है कि यह पूर्ववर्ती सरकारों ने यह वादा किया था कि हम बकाया गन्ने का मूल्य भुगतान बंद शुगर फैक्ट्री को चालू करा देंगे, तो उसमें फैल रही है। यह चीज जो है, मैं चाहूँगा कि अगर मैं जनता का आशीर्वाद मिलता है, इससे मैं मुक्त कराऊंगा, बंद शुगर मिल को चालू करूँ, जो किसानों के हित की बात है। और जो और भी मूल समस्या है जिस पर सरकार ने, जैसे मान लीजिए जो यूपी सरकार का जो GST या VAT है, जिससे तमाम डीजल पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, अगर हमारी सरकार बनती है तो उसमें काफ़ी छूट भी हम लोग दिखाएंगे। जी, कुशीनगर विधानसभा के लिए आपका क्या विजन होगा? कुशीनगर विधानसभा का मेरा विजन होगा कि जब मैं एक बहुत बड़े पैमाने पर, जहाँ भगवान बुद्ध ने अंतिम जीवन का सांस लिया था, तो एक पहचान कुशीनगर और एक पहचान देश की आज़ादी के बाद अगर जनता आशीर्वाद देखते हुए विधानसभा में भेजती है, तो इसका पहचान एक अलग होगा। और मैं इसको बड़े पैमाने पर इसको विकसित करूंगा और यहाँ के नौजवानों को बिल्कुल प्रयास करूंगा कि काफ़ी से काफ़ी नौजवानों को रोजगार पर बनाऊँ और यहाँ पे वह चीज़ सारी सुविधाएं उपलब्ध कराऊँ जो चीज़ अब तक किसी ने नहीं कराया है, जो यहाँ के विधानसभा में जो हमारे लोग तमाम उपेक्षित हैं उनके विश्वास पर मैं खरा उतरूँ। इस मामले में मैं कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि हम लोग किसी को तमाम भाषण देने में विश्वास नहीं करते हैं, बहुजन समाज पार्टी कार्य करने में विश्वास करती है।